हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। टेंस नंबर 4, नंबर 1 आपका इंडेफिनाइट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 इज दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है कि इसमें चीज जो भी आपका वर्क है, है ना, जो भी क्रिया है, टेंस क्या है, टाइम ऑफ वर्क। ठीक है, टाइम ऑफ वर्क का जो टाइम है, है ना, कुछ जो है परफेक्ट है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट ऑनगोइंग है, दोनों चीज है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है। ठीक है, कुछ चीज परफेक्ट है और कुछ चीज कंटिन्यूअस है। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और लास्ट में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाक्य को पहचानेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस समय का बोध, मतलब इसमें टाइम का इंडिकेशन रहेगा। किसका? समय का हमको बोध होगा, हमको टाइम का इंडिकेशन कराएगा। जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें टाइम जरूर रहेगा, ठीक है। और प्रेजेंट की बात रहेगी तो रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस समय का बोध, ये ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यूएशन में जो काम है वो क्या है, पढ़ाई, कि पढ़ाई क्या है, चल रही है, ठीक है। और जो 2 घंटे से, तो जो 2 घंटे जो बीत गए हैं, 2 आवर्स जो है जो बीत गए हैं, उसमें उस 2 आवर में, देखिए ध्यान से सुनिए, उस 2 आवर में आपकी पढ़ाई क्या हो गई, डन। उस 2 आवर की पढ़ाई डन हो चुकी है, अभी भी जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 आवर में परफेक्शन आया और इसके आगे भी पढ़ाई चल रही है, तो वो कंटिन्यूअस है। तो ये हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस इसी को हम बनाते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेंस या फॉर प्लस टाइम। अब आगे सेंस फॉर, सेंस जो रहेगा वो आपके निश्चित समय के साथ लगता है, ठीक है। कोई समय जो है निश्चित है, एकदम परफेक्ट वही टाइम का बात हो रहा है, तो वहां सेंस लगेगा। फॉर जो होता है वो आपके अनिश्चित समय के लिए लगता है, ठीक है, इंडेफिनाइट टाइम के लिए लगता है और इंडेफिनाइट टाइम के लिए लगता है, ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए लगता है। जैसे सेंस कोई एक सन ले लीजिए, जैसे 2001 मैंने लिया, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सेंस 2001। अब मैंने यहाँ पे लिया 5 आवर्स लिया, ठीक है, 5 आवर्स। अब कौन से 5 आवर्स भैया, सुबह के 5 आवर्स, के शाम के 5 आवर्स, के आधे रात के बीच मिडनाइट के 5 आवर्स, कौन से 5 आवर्स की बात हो रही है, वो अनिश्चित है। तो इसमें क्या लगेगा, 4-5 आवर्स लगेगा। तो इस प्रकार से हम सिंस और फॉर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब आगे इसको बना लेते हैं, सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं विथ यूज स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में वह ही शी कुछ भी ले सकते हैं, लड़की लड़का समझ में नहीं आ रहा है तो ही ले लिए सब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, ही शी इट और नेम सिंगुलर के साथ हैज लगता है, आई वी और प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही हैज, फिर आ गया आपका बीन, ही हैज बीन, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है, हमको फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई, पढ़ाई कर रहे हैं मतलब स्टडी, तो हम क्या लिखेंगे, एस टी यू स्टडी, है ना, स्टडी, ये वाई हट जाएगा, स्टडी, ही हैज बीन स्टडी, ठीक है, पढ़ाई हो रही है भाई, ही हैज बीन स्टडिंग। सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे ना, डिस्क्राइब नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, इसीलिए ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही बन गया सिंपल सा, बड़ा आसान है। इसका नेगेटिव बना लीजिए, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। और इसका इंट्रोगेशन हैज सामने आ जाएगा, हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया खत्म।
चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जिस सेंटेंस में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, दिखे, प्लस उसमें टाइम का इंडिकेशन हो, समय का बोध हो, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं लिखी हूँ, लीला पिछले एक घंटे से पैदल चल रही थी। देखिए वो पास्ट में वो काम कर रहे थे, हमको वो सेंटेंस को पास्ट में बताना है कि वो जो काम हो रहा था वो पास्ट में हो रहा था और टाइम भी बताया गया है कि पिछले एक घंटे से। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस मैंने बताया आपको निश्चित और फॉर मैंने बताया आपको अनिश्चित के लिए होता है यूज, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा लीला, लीला हैड, लीला हैड, हैड के बाद बीन, लीला हैड बीन। वर्ब हो रहा है पैदल चलना, पैदल चलना को बोलते हैं वॉक, वॉक में हम लगा देंगे आई एन जी, तो लीला हैड बीन वॉकिंग। अब यहाँ पे पिछले एक घंटे से है ना, लेकिन वो कौन सा एक घंटा है ये हमको पता नहीं है, तो हम लगाएंगे फॉर, ठीक है, वो अनिश्चित है वो समय, फॉर वन वन आर, ठीक है। तो ये हो गया, लीला Had been walking for one hour. लीला पिछले एक घंटे से, या पिछले भी है ना, तो यहाँ पे for last one hour आ जाएगा, ठीक है, पिछले भी है यहाँ पे for last one hour, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेगा कि वो पिछले एक घंटे से पैदल चल रही, इसका नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, लीला had not been walking, had not been walking for last one hour, ठीक है, लीला had not been walking for last one hour, लीला पिछले एक घंटे से पैदल नहीं चल रही थी। इंट्रोगेशन में had सामने आ जाएगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब सामने आ जाता है, फिर had लीला been walking had Leela been walking for last one hour, ठीक है। यहाँ पे वन हुआ है, नहीं वन भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ वन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, लीला हैड बीन वॉकिंग फॉर वन आवर, लीला हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर वन आवर, हैड लीला बीन वॉकिंग फॉर वन आवर, लीला पिछले एक घंटे से पैदल चल रही थी, लीला पिछले एक घंटे से पैदल नहीं चल रही थी, क्या लीला पिछले एक घंटे से पैदल चल रही थी। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, राम दो घंटे से गीत गा रहा था, सीता दो घंटे से काम कर रही थी, और बहुत सारे सेंटेंस है ना, मैं दो घंटे से पढ़ा रही थी। अब हर काम दो घंटे से नहीं, बहुत आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वी कैन कॉल इट ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। तो इसमें इसका हम कैसे पहचानेंगे, जब हमको सेंटेंस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये मिले, है ना, और टाइम का इंडिकेशन हो, तीनों सेम टाइप का है, बस एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, फ्यूचर में कोई अंतर नहीं है। बहुत आसान सा है टेंस। हम लोग एक रिविजन वाला वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगी, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, रिविजन करा दूंगी, पूरे फॉर्मूलाज और एकदम याद हो जाएंगे आराम से, बड़े अच्छे से आप लोग को। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल लिया है मैंने, रिया सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रही होगी। फ्यूचर में बात हो रहा है कि वो जो रिया है नाम की लड़की है, वो सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ रही होगी, है ना। कोई भी सेंटेंस आप लोग ले सकते हैं इसी पैटर्न का, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा लंबा तो है लेकिन आसान है, याद हो जाएगा इसी टाइप के। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा रिया, जल्दी से बता लेते हैं रिया। फिर शैल आएगा कि विल आएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आई यू वी दे के साथ शैल आता है, ही शी इट नेम के साथ क्या आता है, विल आता है, ठीक है। तो नेम के साथ आएगा विल, रिया क्योंकि नेम है,
रिया विल, विल के बाद हमको लगाना है के बाद लगाना है बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी ले लेते हैं, स्टडी आई एन जी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, सिंस या फॉर तो इस सेंटेंस में आएगा सिंस, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम का पता है हमको कि सुबह का 5 बजे है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, ठीक है, या 5 a.m. भी लिख सकते हैं हम। अब नेगेटिव बना लेते हैं, रिया विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। इंट्रोगेशन बनेगा, विल सामने आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब विल, विल रिया हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, क्या है इसमें, रिया विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, रिया विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, और विल रिया हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, मतलब रिया सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रही होगी, रिया सुबह 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी, और लास्ट इंट्रोगेशन में क्या, रिया सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रही होगी। तो बस हमको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला, बाकी सब तो बन जाता है। नेगेटिव बनाने का भी एक ही रूल है, हमको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेशन में ऑक्सिलरी वर्ब को बस सामने कर देना है, बाकी सेंटेंस जैसे का तैसे छाप देना है, बस खत्म। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ समाप्त एंड। अब इसके बाद के वीडियो में मैं टेंस का रिविजन, मतलब शुरू से आपका जो चारों है ना, क्या क्या है आपका, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला विथ फॉर्मूला मैं रिविजन करा दूंगी पूरा 12 का 12, बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।